फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ब्यूटीफुल है मैनली, मतलब मैनली क्या मतलब सिडनी में जितने भी ये जो सिटी के जितने भी सबर्ब्स हैं ना भाई, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। इतने सारे व्लॉग शूट कर दिए हैं और मुझे अभी तक कोई अच्छी स्टार्टिंग लाइन नहीं मिली है कि मैं अपने व्लॉग्स के लिए कौन सी स्टार्टिंग लाइन बोलूं, बट जो भी है, व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज योर ब्रो ईशान पठानिया, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे भाई लोगों अपना ओपरा हाउस, और जिसने भी अभी तक पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकता है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, तो ये उसको कनेक्ट करता है उस व्लॉग को। और इतने दिन से मैं कुछ और व्लॉग्स एडिट नहीं कर रहा, क्योंकि मतलब और व्लॉग्स नहीं शूट कर रहा, सॉरी, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबा व्लॉग था और इतना बड़ा टास्क था, तो इसको शूट करते करते और इसको शूट करने में जो टाइम लगा और इसको एडिट करने में जो टाइम लगा, उसमें मतलब मैं जो पिछले दो तीन दिन की जर्नी अपनी जो है वो मतलब डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो उसको हम स्टेप असाइड करके अपना मेन चीज़ पे आते हैं। आप इसमें ओपरा हाउस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या नहीं, वो आप देख सकते हैं, वहाँ से कैसा व्यू आता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो वो मैंने पूरी वीडियो में एंड तक देखना, वो मैंने पूरे डिटेल्स में कवर कर रखा है, और कुछ अच्छे सीक्रेट्स और मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं ओपरा हाउस से लेके वो मैंने भी शेयर कर रखी हैं, वो भी देखना प्लीज़, एंड एंड तक वीडियो के जुड़े रहना, और एंड ऑफ द वीडियो होपफुली आई विल फिनिश माई डे 9 ऑफ चैलेंज एज वेल। एज यू गाइज नो मेरा 30 डेज जिम रूटीन चैलेंज चल रहा है, सो आज उसका डे 9 है, तो होपफुली एंड ऑफ द वीडियो वो भी चेक करना कि तुम्हारा भाई ने मतलब अपना चैलेंज कंप्लीट किया कि नहीं, तो वो जरूर देखें एंड तक, और जुड़े रहिए अगले व्लॉग के लिए। हाँ जी गाइज, हाँ जी, तो वेलकम बैक है जी, तो अब जाएंगे सीधा हेडिंग बैक टू द सिटी, मैनली बीच हो गया है डन सक्सेसफुली, मज़ा आया काफ़ी, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, तो जिसने नहीं चेक किया है प्लीज़ चेक आउट ऑन द चैनल, एंड अब वापस दोबारा जाएंगे फेरी में, और फेरी से जाएंगे हम सीधे ओपेरा हाउस। चेक दिस आउट गाइस, और रात को मैनली की लाइट्स कैसी लगती हैं, फेरी में बैठ चुका तुम्हारा भाई, और अब सीधे फेरी चलने के लिए तैयार हो गया, मतलब ऑलमोस्ट चलने वाली है, और चल पड़ी, एंड अब मैं आपको सिडनी की नाइट लाइफ दिखाने की कोशिश करूँगा इस व्लॉग में, काफ़ी प्यारा व्यू गाइस, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, और पर जो ये फीलिंग है ना, मतलब फेरी में बैठ के ये जो हवाएं जो चल रही है ना भाई, सॉरी मतलब पीछे मतलब विंड नॉइस काफ़ी हाई होंगी, बट ये जो हवाएं जो फेस पे टच करती हैं ना, मतलब तो वो वाली जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली फीलिंग आ जाती है कि जिंदा हो तुम, वो वाला जो थॉट्स हैं वो दिमाग में चलते जाते हैं, अगर तुम आंखें बंद करो ना तो तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि वो वाला जो जब फरहान अख्तर कहता है ना भी कि जिंदा हो तुम, तो वो वाली फीलिंग आती है भाई। चेक दिस आउट गाइस, गाइज अब हम पहुंच चुके हैं दोबारा से हमारे सर्कुलर कुएं, और अब चलते हैं हम सीधे ओपरा हाउस में, दिखाता हूँ आपको गाइज, दिस इज द वे टू ओपेरा, इट्स लाइक अ पेडेस्ट्रियन मतलब स्ट्रीट कुछ भी कह सकते हैं आप, और एक बार चेक करो, हम आए थे वहाँ से, वहाँ पे हमारी फेरी लगी थी, और वहाँ से ऑल द वे हम आ रहे हैं, मूव हो रहे हैं यहाँ पे, और अब हम जाएंगे सीधे सीधे पैदल पैदल अपने ओपेरा पे, तो मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पे। गाइस इस जगह की एक बहुत स्पेशल बात है, यहाँ पे
पार्टीज चली रहती हैं, डाइन आउट्स हैं या रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप इनको, कैफेज बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी बुकिंग्स वगैरह करा सकते हैं, मतलब रिजर्वेशन वगैरह करा सकते हैं और अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने किसी लव्ड वन के साथ काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं। तो और ये ओपेरा का व्यू ले सकते हैं सामने, और इसके साथ में ही ये सामने है हमारी ब्यूटी द हार्बर ब्रिज, सी साइड, काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ और काफ़ी अच्छी लाइटनिंग। वाओ, जस्ट अमेजिंग। सो गाइस, अभी एक चीज़ चेक कराता हूँ जो आजकल एक ट्रेंड बड़ा मशहूर हो रहा है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ये बात सिर्फ ओपेरा हाउस को डेडिकेट की जाती है। क्या व्यू है, गुड, अमेजिंग है, अमेजिंग। भाई ब्यूटीफुल, लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस, लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस प्लेस, इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग, ओनली वन वर्ड, अमेजिंग। और जो मैंने नीचे से व्यू दिखाया था, ऊपर से व्यू दिखाया था, सॉरी, ये है नीचे से, like beautiful scene over here. So you really like the wine? और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल, जो बैंड का जो म्यूजिक सुनाई दे रहा था वो यहाँ पे चला हुआ है, और ये काफ़ी अच्छा बार यहाँ पे देख सकते हैं। रोहित भाई लगे हैं लाइन में ऑर्डर देने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी ड्रिंक्स या कुछ भी अगर कैजुअल आप अपने फ्रेंड्स के साथ डाइनिंग कर सकते हैं। चेक आउट दिस प्लेस गाइस, मतलब मस्ट विजिट है ओपेरा बार, मस्ट विजिट है, इट्स कॉल्ड ओपेरा बार, मुझे अभी पता चला, सो इट्स अ मस्ट विजिट। अगर आप यहाँ आए तो ज़रूर चेक आउट करें ओपेरा बार, और यहाँ पे आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, खाने पीने का, जूसेस वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो भी इनकी पास अवेलेबल होंगी चीज़ें। और एक बार अगर आपने कुछ ले लिया, मतलब कुछ भी, ऐसे भी बैठ सकते हैं, कैजुअली बैठ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल आउट कर सकते हैं और फन कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट वाइब, नाइस। गाइस देखो, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और अच्छा रहा आज का दिन, और अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गाइस जैसे मैंने पार्ट 1 में दिखाया था, वहाँ से आए थे हम, वहाँ से आए थे, और हम सिटी वाली साइड, मैंने आपको दिखाया था कि इस साइड सिटी है, तो यहाँ से हमें लाइट ट्रेन मिलेगी, और मैं दिखाता हूँ कि लाइट ट्रेन कैसी होती है, और मतलब ट्रेन की तरह ही होती है ये भी, बट ये बिल्कुल सिर्फ सिटी के अंदर चलती है, और इसका कुछ ट्रैक इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है मैं लाइट ट्रेन में बैठ रहा हूँ, मतलब इससे पहले मैंने कभी इसका एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट इट्स सिमिलर, लाइक मैं दिखाता हूँ कैसी दिखती है लाइट ट्रेन, लुक्स लाइक दिस। तो लाइट रेल का अंदर से जो व्यू है, लाइट ट्रेन, सॉरी, ये कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं ऐसे कुछ सीटिंग होती है इसकी, और यहाँ भी हमने ओपल कार्ड टैप कर दिया है, बाहर जगह बनी थी तो वहाँ हमने टैप कर दिया था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो आए थे बड़ी ट्रेन से और फिर मैनली कवर करके हम अब लाइट रेल में भी बैठ गए, मतलब
वो इसलिए दोस्तों कि हमें लग रही है भूख और अब जाएंगे हम शायद से KFC या जो भी कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। आर्यन ने ऑलरेडी खा लिया है फोटो से और मुझे और रोहित को, क्योंकि वो वेजिटेरियन है तो एज यू नो, तो मैं और रोहित अब जाएंगे KFC में। तो गाइस दिस इज़ द टाउन हॉल ऑफ सिडनी, इस जगह का नाम है टाउन हॉल और ट्रेन ने हमें यहीं छोड़ दिया है, मतलब यहाँ उतर गए थे हम। एक बार चेक करो द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, काफ़ी अच्छा व्यू, सही है। और यहाँ पे आपको सारे शोरूम वगैरह जितने भी हैं और जितने भी दुनिया भर के सारे ब्रांड हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। किसी ने भी कोई अच्छी शॉपिंग करनी हो तो यहाँ कर सकता है। और रात को काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे, तो अगर कभी भी आप आएँ तो इस जगह को ज़रूर प्लीज़ चेकआउट करें, अच्छा लगेगा आपको। Cheers to Town Hall। टॉप ऑफ द बिल्डिंग आ चुके हैं इस वक्त मैं और रोहित भाई, और KFC का आनंद लेते हुए काफ़ी अच्छा, सॉरी फॉर द वेजिटेरियन बट इट इज़ वॉट इट इज़। काफ़ी दुखी है हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड हमारे साथ बैठ के। तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग भी एंड होता है, हम ऑलमोस्ट लिपिंगटन पहुंचने वाले हैं और उधर से फिर हम दोबारा ड्राइव करके अपने घर जाएंगे। और ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, होप यू गाइस लव इट एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू गाइस। आज हमने करी है बाइसेप्स की एक्सरसाइज, तो गाइस इसी के साथ हमारा डे 9 का चैलेंज भी खत्म होता है और दिस इज द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। एंड अगर ओपेरा हाउस का टूर अगर आपको अच्छा लगा हो पार्ट 4 में तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज़।